एग्जिट पोल्स को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि विपक्षी गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं क्योंकि ये जनता का पोल है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मुताबिक ये सरकारी एग्जिट पोल्स हैं और 4 जून को विपक्ष जश्न मनाएगा। ये सरकारी एग्जिट पोल्स हैं, ये वही बताएंगे जो सरकार चाहती है इन्हें बताना। इसको आप गंभीरता से लेंगे तो आप गलत करेंगे। इसको आप सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का एक स्रोत मानिए और एंजॉय कीजिए। 2004 को याद कीजिए, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। 4 जून को हमें, जो कि जनता का पोल हमने किया है, हमें 295 सीटें हमारे गठबंधन को मिल रही हैं और वो स्पष्ट बहुमत है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी किसी बड़ी गड़बड़ी की साजिश रच रही है। ऐसा एग्जिट पोल आया है जिसने सारे रिकॉर्ड पीछे के सारे पोल, बेईमानी के, फर्जीवाड़े के सारे रिकॉर्ड एग्जिट पोल ने तोड़ दिए और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। हर स्टेट में बीजेपी की सीटें कम हो रही है, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, लेकिन क्या दिखा रहा है एग्जिट पोल? 400 से ज्यादा सीटें। क्या ये किसी बड़ी हेरा फेरी के पहले देश के लोगों का मन बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या किसी बड़ी गड़बड़ी की तैयारी की जा रही है? 150 डीएम से गृह मंत्री क्यों बात कर रहा है? अमित शाह ने क्यों 150 डीएम से बातचीत की?